हूँ। मैं आज देशभक्ति के बारे में बोलने वाला हूँ। अंग्रेजों से लड़ाई में न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे ही एक शहीद को महाराष्ट्र में पूरा सम्मान हासिल है, पर शेष भारत में उन्हें ज्यादा लोग नहीं पहचानते। हम बात कर रहे हैं महज 22 साल की उम्र में अपने स्वदेशी आंदोलन में अपनी जान दे चुके बाबू गेनु शहीद की। बाबू गेनु का जन्म पुणे जिले के गांव माव के बड़वा में हुआ। माँ कपड़ा मिल में मजदूरी करती थी। जब बाबू गेनु बड़े हो रहे थे उस वक्त अंग्रेजों का विरोध जोरों पर था। बाबू गेनु भी आंदोलन में हिस्सा लेने लगे। 12 दिसंबर 1930 मुंबई के कालबादी इलाके में एक गोदाम था। आंदोलनकारियों को खबर मिली, वहां से विदेशी माल लेकर दो ट्रक जा गए। इस काम को रोकने की जिम्मेदारी बाबू गेनु और उनके दल तानाजी फतक के सर आ गई। अंग्रेज अफसर फ्रेजर को भी इसकी भनक लग गई। उसने भारी तादाद में पुलिस बुला ली। आंदोलनकारियों ट्रक के रास्ते में खड़े हो गए। पुलिस उन्हें खींच खींच कर करती रही। आंदोलनकारियों फिर आते रहे। पुलिस उन्हें आखिरकार फ्रेजर चिढ़ गया। उस ट्रक के आगे तन कर खड़े बाबू गेनु को उसने हटाना परे हटाना चाहा। वो नहीं हटे तो उसने ट्रक ड्राइवर से कहा, ट्रक चला दो, कोई मरते तो मर जाने दो। ट्रक ड्राइवर की हिम्मत नहीं हुई। गुस्से में उफनते अंग्रेज अफसर ने उसे स्टेरिंग से धक्का देकर कुछ स्टेरिंग संभाल ली। बाबू गेनु सीना तान कर खड़े रहे। अंग्रेज अफसर फ्रेजर ने ट्रक चला दी। ट्रक बाबू गेनु को कुचलते हुए गुजर गई। इस घटना ने मुंबई में हाहाकार मचा दिया। तब तक कोई नहीं जानता था। उसके बाद हर एक के जुबान पर उनका नाम छिड़ गया। कस्तूरबा गांधी उनके घर गए और उनके माँ को सांत्वना दी। जहाँ उनकी मौत हुई उस जगह का नाम बाबू गेनु स्ट्रीट रख दिया। नमन है मेरा ऐसे भारत माँ के वीर सुपुतों को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।